So hello guys! स्वागत हूँ हमारे चैनल में इसका नाम द बी स्पोर्ट्स आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई सिटी एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट एफसी के मैच के रिजल्ट के बारे में एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे एफसी गोवा वर्सेस बैंग्लो सी मैच के बारे में तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ब्रैक्स देरी के तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई सिटी एफ सी नॉर्थ ईस्ट के मैच के बारे में तो इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ ने मुंबई सिटी एफ को वन जीरो से हरा दिया है एंड हम लोग मैच के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाफ में मुंबई सी रेफरी ने बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट किया क्योंकि फर्स्ट हाफ में अहमद जाहू थे एंड फर्स्ट हाफ के एंड आते आते अहमद जाहू को रेड कार्ड मिला जो कि सही डिसीजन था रेफरी की तरफ से एंड कल का जो रेफरिंग था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था तो जैसे अहमद जाहू को रेड कार्ड मिला आ, तो सेकेंड हाफ में बॉल में से थोड़ा सा कंट्रोल मुंबई सीरेफसी ने लूज़ किया था एंड अगर हम लोग फर्स्ट हाफ़ की और थोड़ा सा बात करें तो फर्स्ट हाफ़ में रेनर फर्नांडिस को भी एक इंजरी मिला जिसके वजह से उनको सब्सटीट्यूट कर दिया गया एंड उसके जगह पे फारूक चौधरी को लाया गया था तो ओवरऑल थोड़ा सा मुंबई सीरेफसी के लिए उतना बढ़िया दिन था नहीं कल का बट अगर हम लोग सेकेंड हाफ़ का बात करें तो सेकेंड हाफ़ में नॉर्थ ईस्ट जे एफ ने 80 मिनट्स तक 75-80 मिनट्स तक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया है एंड नॉर्थ जैसी का, खासा कमारा ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया क्योंकि फर्स्ट हाफ में खासा कमारा को, जो को मार्किंग में रखना पड़ रहा था बट सेकेंड हाफ में खासा कमारा हुगो बुमोस को मार्किंग में रख रहे थे एंड बहुत ही बढ़िया प्लेयर है खासा कमारा वो उन्होंने अपना क्लास दिखाया है कल के मैच में एंड कल पेनल्टी में को अपिया ने गोल किया था हैंडबॉल हुआ था एंड इसी के वजह से पेनल्टी मिला था नॉर्थ ईस्ट जर्सी को तो ओवरऑल ये मैच नॉर्थ ईस्ट जर्सी के लिए तो काफी बढ़िया मैं बोल उनको एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला है एंड कल के मैच के फेवरेट्स थे मुंबई सिटी एफसी बट फिर भी नॉर्थ ईस्ट जैसी वो मैच जीत गए तो इस साल इसी से आई एस एल का स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि जितना भी बढ़िया टीम हो इस साल सारे ही टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डेफिनेटली so ये साल आई में एक revolutionary year बहुत ही रेवोल्यूशनरी ईयर है क्योंकि सारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड अगर हम लोग और मुंबई सिटी इसी का बात करें तो सीवाई गुडाट एंड में आके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अगर उनको फर्स्ट मिनट से खिलाया जाता तो शायद उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़िया होता सो so, यार ओवरऑल ये मैच तो काफी बढ़िया था अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में मुंबई सिटी परफॉर्म करते है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एफ गोवा वर्सेज बैंगलोर एस के बारे में तो अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो ये मैच एक बहुत ही बड़ा मैच है क्योंकि एफ गोवा लास्ट टाइम के डिफेंडिंग लीग चैंपियन मतलब कप चैंपियन नहीं लीग चैंपियन वर्सेज बेंगलोर एस सी वन ऑफ द बेस्ट टीम

सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में होंगे लेनी रॉड्रिगस उनसे काफी कुछ हाई एक्सपेक्टेशन है और उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है हर एक मैच में सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में होंगे ब्रैंडन फर्नांडिस राइट विंग पोजीशन में होंगे रिडीम लैंग लेफ्ट विंग पोजीशन में होंगे जॉर्ज ऑटिस मंडोजा एंड सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन में होंगे इगोर एंगुलो एंड यह लाइनअप

सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में होंगे फ्रॉन गोंजालेस एंड दूसरे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में होंगे डीमस डेलगाडो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में होंगे सुनील छेत्री डेफिनेटली उनके ऊपर टीम का पूरा अटैक डिपेंड करेगा राइट विंग पोजीशन में होंगे उदंता सिंह लेफ्ट विंग पोजीशन में होंगे एंड सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन में होंगे सिल्वा तो दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम से देख के पता चलता है एंड डेफिनेटली ये मैच कौन जीतेगा देखने लायक होगा अब इस मैच में भी मैं कोई ज्यादा प्रेडिक्शन करूंगा नहीं क्योंकि फर्स्ट मैच है इन दोनों ही टीम का इस लीग में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये दोनों टीम्स कैसा परफॉर्म करते हैं आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल भी दिया है आप चाहते तो वहां पर वोट कर सकते हो तो यार अब बात कर लेते हैं लास्ट फाइव मैचेस के बारे में तो लास्ट फाइव मैचेस अगर हम लोग देखे तो बैंगलोर सी ने तीन मैचेस जीता है एक मैच ड्रॉ हुआ है एंड एक मैच एफ सी जीता है तो डेफिनेटली देखने लायक होगा कि ये मैच कौन जीतता है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना सो so, बस गाइस आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलता हूं आपको वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय